करनाल के इंद्री में आज शनिवार को युवाओं द्वारा तिरंगा सद्भावना यात्रा निकाली गई। कैनाल रेस्ट हाउस से शुरू हुई ये यात्रा इंद्री के मेन बाजारों व गांव मटक माजरी से होते हुए रेस्ट हाउस पर समाप्त हुई। इस यात्रा में काफी संख्या में युवाओं ने हाथों में तिरंगे झंडे लेकर व भारत माता की जयकार लगाते हुए हिस्सा लिया। इस बारे में जानकारी देते हुए समाज सेवी हंसराज कश्यप ने कहा कि इस तिरंगा यात्रा का उद्देश्य भारतीय तिरंगे झंडे का अपमान करने वालों को संदेश देना है कि कोई भी हिंदुस्तानी तिरंगे का अपमान सहन नहीं कर सकता। तिरंगा हमारी आन बान और शान है। उन्होंने कहा कि हमारा किसी भी राजनीतिक विचारधारा के लोगों का विरोध करना नहीं है। 26 जनवरी को दिल्ली के लाल किले पर गणतंत्र दिवस पर जो हुआ वो अशोभनीय है। तिरंगे को लेकर सभी के दिलों में सम्मान होना चाहिए। हंसराज ने कहा कि किसानों के आंदोलन का हल सरकार ने निकालना है, लेकिन उसकी आड़ में कुछ शरारती तत्व देश का माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे कोई भी भारतीय सहन नहीं करेगा। आपसी भाईचारे को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। देश के तिरंगे का सम्मान हर भारतीय का पहला कर्तव्य है। सभी भारतवासियों को नमस्कार। मैं हंसराज कश्यप, गांव फूसगढ़ से। आज हम सब ने मिलकर के तिरंगा सद्भावना यात्रा निकाली है। तिरंगा सद्भावना यात्रा का जो बेसिक एम है, मुख्य उद्देश्य है, वो ये है कि हिंदुस्तान के अंदर तिरंगे का सम्मान सबसे ऊपर है। चाहे हम किसी भी धर्म से हैं, किसी भी जाति से हैं, किसी भी मजहब से हैं, हम कोई भी राजनीतिक विचारधारा रखते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें हमारे देश की विविधताएँ हैं और इन विविधताओं का ही हमारा एक बहुत सुंदर सा देश है। इस देश के अंदर शुरू से ही लोग धरने, प्रदर्शन, अपनी बात रखने का अधिकार संविधान ने सभी को दिया है। इस तिरंगा यात्रा का आज इंद्री में जो निकाली जा रही है, इसका उद्देश्य है, ऐसा कोई किसी का विरोध करना या किसी का पक्ष करना नहीं है। हम सब नौजवानों ने सिर्फ एक ही बात यहाँ पे उद्देश्य के रूप में रखी है कि तिरंगे का सम्मान सभी के लिए बहुत आवश्यक है, तिरंगे का सम्मान सभी के लिए परम आवश्यक है और तिरंगे का सम्मान सबके दिलों से हमेशा होना चाहिए। आज इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से मैं उन सभी लोगों को मैसेज देना चाहता हूं जो समाज में किसी न किसी प्रकार से नफरत, निंदा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसान भी हमारे ही देश के लोग हैं, हमारे ही भाई हैं, सरकार भी हमारी अपनी है, हमने चुन करके भेज रखी है, और पुलिस जो हमारे प्रशासन है वो भी हमारे ही देश के नौजवान हैं, हमारे ही देश का सारा व्यवस्था संभाल रहे हैं। तो दोस्तों, कोई अलग नहीं है, कोई हमारा किसी अन्य देश के साथ युद्ध नहीं चल रहा है। ठीक है, वैचारिक मतभेद हैं, उसमें यही कहना चाहेंगे कि सरकार भी और किसान भी इसको कोई मूंछ का सवाल न बना करके बातचीत से समस्या का समाधान निकाले, लेकिन इन सारे कार्यक्रमों में कहीं हम अपने देश के स्वाभिमान का, अपने देश के तिरंगे का कोई जरा सा भी अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना ही कोई हिंदुस्तानी अपने तिरंगे का अपमान बर्दाश्त करना चाहता है। इसी के लिए यही मैसेज देते हुए कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में हम सब भाई भाई, और इस भाईचारे को कोई तोड़ने का प्रयास ना करे, कोई ये ना सोचे कि तिरंगे का इस देश में अपमान सहन कर लिया जाएगा। ना तो कभी पुराने समय में तिरंगे का अपमान सहन हुआ है, ना आज होगा, और ना कभी भविष्य में तिरंगे का अपमान हम लोग सहन करने वाले हैं। पहले भी हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं और आज भी सब तिरंगे के सम्मान के लिए खड़े हैं। यही बात कहते हुए आज हम इस तिरंगा यात्रा को यहाँ रेस्ट हाउस इंद्री से शुरू कर रहे हैं और यहाँ से लेकर के ये उधम सिंह चौक और उसके बाद मेन बाज़ार इंद्री और यहाँ से फिर आगे होते हुए हॉस्पिटल चौक से बड़े बाज़ार में से होते हुए मटक माजरी पुलिया से वापसी, फिर दोबारा से गढ़ी बिरबल रोड से वापसी होते हुए बस स्टैंड से और इसी रेस्ट हाउस में इसका समापन करेंगे। सभी के हाथों में तिरंगे हैं, तिरंगे अपने अपने घरों में लेकर के जाएंगे, और जो साथी किसी कारण से नहीं भी पहुंच पाए हैं उनको ये मैसेज जरूर दिया था हमने कि यदि नहीं पहुंच पाए तो अपने घरों में तिरंगा जरूर लगाएं। तो यही इस यात्रा का उद्देश्य है कि हिंदुस्तान कभी बंटने वाला नहीं है, यहाँ कोई पाकिस्तान नहीं बनने वाला है दोबारा से, यहाँ कोई खालिस्तान दोबारा से नहीं बनने वाला है। हम सब लोग मिल करके इसकी रक्षा पहले भी करी थी हम सब लोगों ने और आज भी करेंगे, तो यही उद्देश्य है। इसी के साथ मैं आप सब लोगों से दोबारा से हाथ जोड़ करके विनती करना चाहूँगा कि नफरत की बजाय प्रेम फैलाएं, अपने देश के तिरंगे के प्रति सम्मान फैलाएं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, मैं पवन पवाना आप सभी से निवेदन भी करना चाहता हूँ और इसके साथ साथ बताना भी चाहता हूँ कि ये तिरंगा जो है, जिसको बचपन से हम अपने स्कूलों में
अपने कॉलेजेस में जहाँ भी हम पढ़ा रहे थे पढ़ रहे थे सब जगह देखते थे तिरंगे का सम्मान इस दुनिया में, इस भारतवर्ष में, हमारे देश में, विदेशों में, सब जगह तिरंगा फहराने का जो मज़ा है उसका अलग ही मज़ा है। तो मेरा ये कहना है, यही बात आ जाएगी कि शायद लोग सोचते होंगे ये सद्भावना यात्रा किस लिए है, हमारा किसी का कोई विरोध नहीं है, किसी का कोई समर्थन नहीं है, हम तो अपने तिरंगे से प्यार करते हैं, करते रहेंगे जब तक इस जीवन में है, इस देश में है, इस देश से प्रेम करेंगे। और निवेदन ये मैं जो करने वाला था वो ये है कि हमें सबसे पहले तिरंगे का सम्मान करना चाहिए, देश रहेगा, तिरंगा रहेगा, हमारा प्रशासन रहेगा, हमारी सरकार रहेगी, हमारे किसान भाई रहेंगे, हमारा देश रहेगा तो हम रहेंगे। तो मेरा निवेदन बार बार एक ही है, हमेशा तिरंगे का सम्मान करें, तिरंगे को बड़ी ऊंची निगाह से देखिए। और हम चाहते हैं कि पूरे विश्व के अंदर तिरंगे का जो सम्मान पहले था वैसे का वैसे बना रहे। कुछ दिन पहले एक छोटी सी घटना कुछ शरारती तत्वों की वजह से हो गई, जिसकी वजह से सभी किसान भाइयों को बदनाम करने की कोशिश की गई, या सरकार ने भी अपने तरीके से एक्शन लिए। जो लोग वहाँ पर किसान बैठे वो भी हमारे भाई हैं, और जो पुलिस वाले भाई हैं वो भी हमारे परिवारों से हैं। तो मेरा निवेदन है कि कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए कि दोनों का काम भी हो जाए, कानून वापस हों या जैसे हैं वैसे रहें, लेकिन कोई ना कोई ऐसा रास्ता ज़रूर निकाला जाए जिससे किसान भाइयों को भी एक रास्ता मिले। और घुमा फिरा करके कोई बात ना कहते हुए सीधा मैं कहूँगा, आप किसी भी परिस्थिति में रहिए, कहीं भी रहिए, पर तिरंगे का अपमान मत करिए और ना सहन करिए। मेरा नाम पवन पवाना, आपको फिर से मैं कहना चाहूँगा, मेरी जान तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है, और ये पूरा हिंदुस्तान तिरंगा है। नमस्कार। तो ये तिरंगा क्या है? हमारे नौजवान भाई, हमारे जैसे कितने सारे लोग बॉर्डर पे हमारी रक्षा में बैठे हैं, उसमें से भी किसान भाइयों के बच्चे परिवारों में से हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो देश के अंदर रहते हैं। तो जब मैंने कई बार पिछले 10-20 पर, मेरी खुद की आयु 35 वर्ष है, लेकिन उसमें मैंने सैकड़ों बार ऐसे नौजवान भाइयों को आते हुए देखा है परिवार में, जिन पे तिरंगा लिपटा होता था और हमारे आंसू रुक नहीं पाते हैं। तो उनके लिए चार पंक्तियां तिरंगे के साथ जोड़ करके मैं आपको सुनाना चाहूँगा। डॉक्टर हरिओम पवार जी की पंक्तियां सुनिएगा, और कहीं आपको समर्थन देने की लगे तो ज़रूर, जहाँ पे ये वीडियो चल रहा है उसमें आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं कि जो सीने पे गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे और भारत माता को जय कहकर फांसी पर चढ़ जाते थे, उन बेटों की याद भुलाने की नादानी करते हो और इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी करते हो। उनका नाम जुबा पर लो तो पलकों को झपका लेना, उनका नाम जुबा पर लो तो पलकों को झपका लेना, और उनकी यादों के पत्थर पर दो आंसू टपका देना। जो धरती में मस्तक बोकर चले गए, दाग गुलामी वाले धोकर चले गए, मैं उनकी पूजा की खातिर जीवन भर गा सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूँ। धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज।